हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं AC तथा बहुक्रिय प्रणाली में AC तथा DC में के मध्य तुलना के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस क्लास में हमने आपको RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर इत्यादि की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आप लोगों को AC तथा DC के बीच में तुलना बताएंगे। चलिए क्रम से देखते हैं कि AC और DC में क्या क्या अंतर है। साथ ही साथ ये जो अंतर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए आप लोग इसके अपना करें और इसको कम से कम शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलक्षण है और एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा है और दूसरी ओर दिष्ट धारा है। अभिलक्षण का अर्थ होता है इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है AC और दिष्ट धारा को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट DC। इसके अंतर को क्रम से हम देखते हैं। यदि हम वेव फॉर्म की बात करते हैं, अगर इसका वेव फॉर्म की बात की जाए, एक नंबर में अभिलक्षण में हो गया वेव फॉर्म। अगर इसके वेव फॉर्म की हम बात करें, वेव फॉर्म, तो आखिर इसका वेव फॉर्म कैसा होता है? आप लोगों को पता है AC का वेव फॉर्म कैसा होता है? चलिए क्रम से इसको देखते हैं। ये AC का वेव फॉर्म है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। अब देखिए, अगर DC की बात की जाए, देखिए ये DC का वेव फॉर्म है। दूसरी ओर चलते हैं, अगर इसकी आवृत्ति की बात की जाए, दूसरी पॉइंट की ओर आवृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि आखिर इसका फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है उसके बारे में अगर जाने, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो हमारे भारत में है या हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज या विदेशों में 60 हर्ट्ज, ये हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी है और ये विदेश की फ्रीक्वेंसी AC की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवृत्ति आपको पूछ सकता है। चलिए अगर DC की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो ये होता है 0। याद रखिएगा कि DC का कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अब दिशा की बात की जाए, तीसरे नंबर में दिशा की बात की जाए, दिशा जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन का इसका बात करें तो ये फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है, इसका परिवर्तित होता है। यानी अगर हम दिशा की बात करें तो ये परिवर्तित होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि दिशा का मान दिशा परिवर्तित होगा। क्लियर? उसी प्रकार यदि हम DC की बात करें तो एक ही दिशा में ये क्या होगा, रहेगा। यानी इसका दिशा परिवर्तित नहीं होता, यानी वो एक ही दिशा में रहता है, एक ही दिशा रहेगा इसका। यानी अगर दिशा की बात करते हैं तो इसका दिशा बदल रहा है, जबकि यह एक ही दिशा में रहने का मतलब यह है इसका दिशा परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी वो परिवर्तित रहता है, नहीं बदल रहा है, यानी एक ही दिशा में रहेगा, जबकि इसका दिशा क्या होगा, बदलेगा। दिशा की बात किए, डायरेक्शन क्यों, परिवर्तित, वो एक ही दिशा में रहेगा।
चौथा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं कि अगर चौथा पॉइंट को देखते हैं धारा, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट, करेंट की बात करें तो करेंट को अगर देखा जाए यानी परिमाण इसका क्या होगा, परिवर्तित होगा, परिमाण, परिमाण परिवर्तित। परिवर्तित जबकि इसमें परिमाण को देखिए वो परिवर्तित, देख रहे हैं, यानी मेरा ये धारा कहने का मतलब ये होता है कि इसका धारा का परिमाण क्या हुआ। जस्ट लाइक ये वेव फॉर्म से आप देख सकते हैं कि इसका दिशा देखिए बदल रहा है, तो ये हो गया दिशा परिवर्तित हो गया। जबकि इसका देखिए इस वेव फॉर्म से आपको पता चलता है कि ये दिशा देखिए एक ही दिशा में है, इसका दिशा का मान नहीं बदल रहा है। फिर हम चलते हैं यदि धारा को जो उसी से कंपेयर करते हैं कि धारा मान लीजिए हम ये करेंट है, तो आप क्या देखते हैं धारा का परिमाण हर क्षण बदल रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे है धारा, ये पॉजिटिव में है, अब देखिए ये क्या होगा निगेटिव में बदल रहा है, जबकि यहाँ पे धारा का मान देखिए नहीं बदल रहा है। समझ रहे हैं उसी बातों को, देखिए कि परिमाण वो परिवर्तित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये चार नंबर और तीन नंबर और साथ ही साथ ये दो, यहां तक मैं समझ में आ गया आपका। अब चलते हैं इसके स्रोत की ओर, स्रोत पांचवा, स्रोत, स्रोत किसको कहते हैं, सोर्स, यानी एसी का क्या क्या सोर्स हो सकता है, एसी के सोर्स के बारे में बताना है। तो एसी जनरेटर हो गया, एसी जनरेटर, यानी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत हो गया एसी जनरेटर, जबकि इसके अंतर्गत आता है सेल या बैटरी। डीसी के अंतर्गत आएगा सेल या बैटरी, ये सब डीसी का क्या है आपका स्रोत है। एसी के स्रोत की बात किए तो एसी जनरेटर हो गया, और डीसी का स्रोत की बात करें तो सेल या बैटरी हो गया। अब चलिए हम छठाई की ओर चलते हैं। छठा जो है, छठे पॉइंट को हम देखते हैं अगर इसका मापदंड को देखा जाए, यानी एसी का जो मेजरमेंट किया जाता है मापदंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एसी में क्या रहेगा या किसके द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है, तो आप जानिए इंपीडेंस, इंपीडेंस जिसको हम लोग ये जेड से सूचित कर रहे हैं, और अगर डिस्ट धारा की बात की जाए तो प्रतिरोध, प्रतिरोध ये याद रखिएगा कि देखिए काम दोनों का सेम ही है, प्रतिरोध का काम है धारा का अपोज करना, जबकि एसी में भी इंपीडेंस का वही काम है, क्योंकि ये क्वाइल होता है इसमें एसी में, तो वो क्वाइल में क्या होगा फ्लक्स का अपोज करेगा। चलिए मापदंड हो गया किसको हम इंपीडेंस से मेजरमेंट करेंगे, जबकि उसको रेसिस्टेंस से, प्रतिरोध से। सातवां की ओर चलते हैं, सातवां को देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर फैक्टर की बात की जाए पीएफ, पीएफ का अर्थ होता है पावर फैक्टर, याद रखिएगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर की बात की जाए तो इसका पावर फैक्टर होता है जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर यानी जीरो से एक के बीच आप रखिए, जीरो से एक के बीच,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी एसी का पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच होता है, जबकि अगर डीसी का पावर फैक्टर बोला जाए तो केवल केवल 1 होता है। समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हैं? अब चलिए आठवां की ओर, फिर चलते हैं हम लोग पावर को देखा जाए, यानी पावर क्या होता है एसी में। एसी में यदि पावर की चर्चा करें तो पी इज इक्वल टू होता है वी आई कोस फाई। ये कोस फाई है पावर फैक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं कोस फाई। कोस फाई हो गया, पावर फैक्टर को कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये कोस फाई मेरा हो गया पावर फैक्टर। ये एसी में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, जबकि डीसी में देखिएगा पावर फैक्टर नहीं होता है, यानी पी इज इक्वल टू वी आई। आगे चलिए नौवें नंबर की ओर। नौवां नंबर हम देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है अपनी क्या करे, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसमें, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा क्या करेगा, बदलेगा मतलब अग्रगामी या पश्चगामी होता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन का दिशा होगा ना, अपनी दिशा हमेशा क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को हमेशा क्या होगा, बदलेगा। इसमें बदलता है, जबकि उसमें देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। समझ में आ रहा है? अगर इसमें देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ना, इसमें क्या, एसी में पश्चगामी बता चुके हैं, अग्रगामी बता चुके हैं, लीडिंग लैगिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को क्या हुआ, बदलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होता है डीसी में। ये मेनली जो है ना, ये सब आपका काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर वेब फॉर्म की बात की जाए तो वेब फॉर्म आपने देखे इस रूप में, ठीक है। फिर अगर देखिए ये आवृत्ति को भी देख ले, फ्रीक्वेंसी एसी का 50 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज होता है, वो जीरो होता है। दिशा की बात किए तो दिशा और परिमाण एक ही साथ रख लीजिए कि दिशा की बात करें तो वो परिवर्तित तो रहेगा, जबकि दिष्ट धारा में एक ही दिशा में रहेगा। अगर धारा करने का मतलब परिमाण हमेशा इसका परिवर्तित होगा एसी का, जबकि डीसी का परिमाण वो परिवर्तित रहता है। स्रोत की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, एसी जनरेटर इसका एसी का स्रोत है, जबकि सेल और बैटरी डीसी का स्रोत है। मापदंड की बात की जाए यानी एसी को किससे मेजरमेंट किया जाता है मापदंड में, तो उसका मेजरमेंट होता है इम्पीडेंस, जबकि दिष्ट धारा में रेसिस्टेंस के थ्रू। एकदम याद रखिएगा, डीसी में क्या मुख्य चीज उपस्थित रहेगा, प्रतिरोध। आगे चलिए, अगर पावर फैक्टर की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, तो 0 से 1 के बीच में रहता है एसी में, जबकि डीसी में केवल 1 होता है। उसके बाद पावर की बात की जाए, पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाइ, कोस फाइ को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा क्या रहता है, बदलते रहता है। अब चलते हैं इसमें एक जो बच गया है प्रकार को देख लेते हैं, दसवां प्रकार यानी टाइप।
दसवां को देखते हैं प्रकार को। प्रकार देखिए, प्रकार दसवां नंबर प्रकार यानी टाइप। अगर इसके प्रकार की बात की जाए कि प्रत्यावर्ती की प्रकार देखें, तो हम आपको बताए थे कि साइन वेव होता है इसमें, साइन वेव। उसके बाद हमने स्क्वायर वेव भी बताए थे, स्क्वायर वेव को भी बताए थे, स्क्वायर वेव। सॉटूथ वेव भी बताए थे, सॉटूथ, सॉटूथ वेव को भी बताए थे, सॉटूथ वेव। ये सब इसके प्रकार है, सारा कुछ हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। फिर हम डीसी में देखते हैं। डीसी में हमने क्या बोले थे, वायरिंग डीसी, वायरिंग डीसी, फिर प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ये सब इसके प्रकार है। तो संभवतः ये आप लोगों को ये कंपैरिजन जो है ना समझ में भी आ गया, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं इसमें पावर फैक्टर, ये जो देख रहे हैं पावर फैक्टर, फिर परिमाण और दिशा जो भी हम बताएं, फिर पावर के बारे में बताएं, ये सारा जो है ना 10 का 10 पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिएगा। मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा या वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। थैंक यू क्लास।